हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ महाकालेश्वर में, और ये मैं छोटा सा वीडियो बनाया था बिकॉज़ के अंदर फ़ोन वगैरह बहुत मनाई थी और मैं चाहती थी कि मैं वहाँ यात्रा करने गई हूँ तो भगवान के मैं दर्शन करने गई हूँ, क्योंकि फ़ोन में ऑनलाइन तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं लेकिन लाइव जो दर्शन करने का मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो हम लोग पहुँच गए थे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, और आप देख सकते हैं लाइन थी, लाइन एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की लाइन थी, इतनी बाहर तक थी। हमें लग रहा था बहुत अंदर ही है, लेकिन बहुत अंदर चलते जाओ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बस मंदिर के बाहर थी, फिर सीढ़ियाँ वगैरह थी, और ये रहे लाइव दर्शन। अंदर हमने देखा था लेकिन अंदर फ़ोन यूज़ करना मना था, तो मैं टीवी में ही आपको दिखा रही हूँ। सीरियसली मैं गाइस, भगवान को देख के ही आंसू आ जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और फिर हम लोग बाहर आ गए, बाहर भी इतने सारे मंदिर थे, शायद 80-82 ज्योति वहाँ महादेव के मंदिर हैं। तो सारे भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अगर आप भी जा रहे हैं उज्जैन तो ज़रूर जाएँ, दर्शन कीजिए भगवान के, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वहाँ मतलब कि आपको इतना सुकून मिलेगा ना गाइस। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग जाते हैं तो मन को मतलब वहाँ आप पूरी तरह से भगवान के अंदर खो जाए, क्योंकि आप वहाँ दर्शन करने गए ना कि इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही थी। और ये सारी चीज़ें बाहर की हैं, और ये आप देख सकते हो ऊपर भी दिख रहा था टीवी में भी। और फिर हम लोग वहाँ पे लाइटिंग शो है वो भी देखने गए, और वहाँ पे जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटी छोटी क्लिप ले रही थी। और बिकॉज़ कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, वहाँ चलना भी बहुत सारा था मेरे बेटे को उठा उठा के, 4 घंटे की लाइन थी। लेकिन जहाँ जाते हैं ना वहाँ का चीज़ ही कुछ अलग होती है, क्योंकि हम फ़ोन में टीवी में सब देखते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये महाकालेश्वर एंड ओमकालेश्वर जो है वहाँ के ज्योतिर्लिंग, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दो ज्योतिर्लिंग वहाँ हैं उज्जैन में, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। तो ये मैं छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ, मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। आप देख सकते हैं पब्लिक भी इतनी सारी थी, इतनी सारी भीड़ थी, और ये सारा बाहर का नज़ारा था, बहुत ही अभी तो नया बनाया ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ज़रूर आप लोग जाइएगा, और इतना आपको अच्छा लगेगा। और बाहर सारी बाज़ार वगैरह है, यहाँ पे जो दूर दिख रहा है ना वो लाइटिंग शो चल रहा था वहाँ पे, और सामने यहाँ भारत माता का मंदिर है। लेकिन मैं और मेरे 2 बच्चे बैठ गए थे, मेरे हस्बैंड और बड़ा बेटा, वो लोग गए थे दर्शन करने, और उसके बाद हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में, तो सिर्फ नूडल्स ही मिले हमको और कुछ नहीं मिला था, सारी रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गई थी। तो अभी हम चलेंगे ओमकालेश्वर, उसका वीडियो मैं बहुत जल्द